वेल, आपको बता दें कि रेहा चक्रवर्ती अभी जेल में है, लेकिन आपको बता दें कि सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। श्रुति मोदी से जब सीबीआई ने पूछा, आखिरकार श्रुति मोदी ने हर एक सच का पर्दाफाश किया और कई खुलासे किए। आपको बता दें कि रेहा चक्रवर्ती सुशांत से जुड़ी छोटी से छोटी बातें जानती थी। सुशांत कब सोते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, वही आपको बता दें इस चीज का रेहा चक्रवर्ती ने काफी चालाकी से इस्तेमाल किया। आपको बता दें खुद श्रुति मोदी ने सीबीआई से कई बड़े खुलासे किए हैं। सीबीआई श्रुति मोदी से पिछले कुछ दिनों से काफी सवाल जवाब कर रही है, जिस दौरान इस बात का तो खुलासा हो गया कि श्रुति मोदी रेहा चक्रवर्ती के लिए काम करती थी। सुशांत क्या क्या काम करते हैं, सुशांत श्रुति मोदी से क्या क्या बातें करते हैं, ये सारी जानकारियां वो रेहा चक्रवर्ती तक पहुंचाती थी। वहीं आपको बता दे, एक बार सुशांत ने श्रुति मोदी से अपना बैंक स्टेटमेंट मांगा तो श्रुति मोदी ने टाल मटोल कर दी, और जब उन्होंने ये बात रेहा चक्रवर्ती को बताई तो रेहा चक्रवर्ती ने श्रुति मोदी से कहा कि सुशांत का कुछ तो करना होगा। आपको बता दें कि पहले भी श्रुति मोदी ने कई बड़े खुलासे किए थे, लेकिन उन्होंने डर के मारे अब एक बड़ा खुलासा किया है जो अपने कुछ महीनों के बयानबाजी में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताई। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से कुछ महीने पहले की है ये बात। आपको बता दें मार्च 2020 में सुशांत ने श्रुति मोदी से अपना बैंक स्टेटमेंट मांगा। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है, जो श्रुति मोदी से उन्होंने मांगा वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट उसका था कि जिस पर रेहा चक्रवर्ती खर्चा करती थी, यानी कि उन्होंने स्टेटमेंट वो मांगा कि उनके पैसों से रेहा चक्रवर्ती ने कहां कहां खुद पर खर्चा किया है। इस बात को सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, लेकिन हाँ, इस बात का खुलासा खुद श्रुति मोदी ने सीबीआई से किया है। आपको बता दें कि ये बात उन्होंने सीबीआई को बताई कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को धोखा दिया, उन्होंने सुशांत के साथ डबल क्रॉस किया। जब सुशांत ने उनसे बैंक स्टेटमेंट मांगा तब उन्होंने ये बात जाकर रेहा चक्रवर्ती को बता दी। उन्होंने ये बात बता दी रेहा चक्रवर्ती को कि सुशांत आपके खर्चों का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। इसके बाद रेहा चक्रवर्ती ने श्रुति मोदी के सामने एक स्टेटमेंट दिया, एक बात कही कि सुशांत का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। श्रुति मोदी के इस बयान के बाद सीबीआई को पूरी तरह से शक रेहा चक्रवर्ती पर हो गया है। वहीं आपको बता दें रेहा चक्रवर्ती इस समय जेल में भी है। यहीं से इस बात का खुलासा होता है कि रेहा चक्रवर्ती चाहती थी कि सुशांत उनके रास्ते से हट जाए, जिसके बाद सुशांत का सारा पैसा उनका हो जाए। हम जल्द ही सुशांत के इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।